Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. आप सब समझ गई देवी अहिल्या कहां बिताते थे रातें खंडेराव। नमस्कार, वेलकम टू हंगरी स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। दोस्तों, मल्लाराव होलकर जिंदाबाद, सूबेदार मल्लाराव होलकर जिंदाबाद, इस तरीके के नारे लगाते हुए जब सैनिक अंदर एंटर करते हैं, गुरुजी ड्रेस वेस पहन के, वर्दी पहन के बस रवाना होने ही वाले होते हैं। अहिल्या ने सेना को झंडा भी दिखा दिया था, एन मौके पे वो दाखिल होते हैं और आके जो बात बताते हैं तो गुनू जी की बेचारों की ड्रेस पहनी पहनाई रह जाती है। तो किसकी क्या थी रिएक्शन, किस तरीके से अहिल्या समझ गई पूरी बात और गौतमा के क्या थे रिएक्शन, वाह वाह क्या बात है। तो बात करते हैं पहले वही जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल हंगरी स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया, वो वीडियो के नीचे दिया गया लाल बटन दबा दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दे ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों जैसे ही सैनिक दाखिल होते हैं, हालांकि हमको कल ही कमिंग अप में दिखा दिया था लेकिन प्रोमो देखने के बाद पूरा पता चला है कि जैसे ही सैनिक आते हैं, आके बताते हैं, पहला रिएक्शन, पहला झटका तो यहीं पे लगता है कि भैया वहां पे जो है किला जीत लिया है, अब इस मिशन की कोई जरूरत नहीं था। पहले तो वहीं पे धाप 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 के चेहरों पे रिएक्शन बदलते हैं कि भैया ये तो मौका मिला था हीरो बनने का। गुनू जी कहते हैं तो द्वारिका भी कहती है, सोचती है कि अरे यार ये ऐसे कैसे हो गया, कैसे हो गया। तो जब वो बताते हैं कि ये सब, ये जो जीत का सेहरा है, युवराज खंडेराव की बदौलत हमें मिला है, तो ये जब बताते हैं दोस्तों तो सबसे पहले धनाजी सरकार का चेहरा मैंने देखा तो वो तो उनको तो सांप ही लौट गए, जैसे ऐसे लग गया अरे ये कैसे हुआ। तो द्वारका का चेहरा भी, रिएक्शन भी डेफिनेटली, गुनू जी का चेहरा तो मुरझा गया बिल्कुल, और यहां पे रकमा का, बाकी सबके चेहरे पे भी रिएक्शन गए। तो तुकू जी बड़े खुश हुए लेकिन गौतमा भाई साहब का तो सीना चौड़ा हो गया। एक मां, जो मां बार बार डर रही थी कि मेरे पुत्र को ये जो अभी भी ऐसे लगता कि सो के नहीं उठता है, नालायक है, इस तरीके की चीजें हो गई थी, अचानक से ये पता चले कि भैया नहीं, ये तो छुपे रुस्तम निकले खंडेराव। तो ये जब पता चलता है और उसके बाद अहिल्या की जो स्माइल थी वो सब समझ गई कि खंडेराव ने जो कहा था ना कि मैंने कभी तुमसे झूठ नहीं बोला, तुमको पता चल जाएगा अपने आप कि हम किस नशे की तलाश में जाते थे। वाह वाह, ये था देशभक्ति का नशा था जो जिसकी तलाश में खंडेराव रात को जाते थे, जब ये पता चला अहिल्या को। लेकिन यहां पे मल्हारा होलकर के एक्सप्रेशन, एक बाप के, उनको यकीन नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं वो ये निराश हो चुके थे खंडेराव को लेकर के। मतलब मैंने कहीं ना कहीं ये तक सोच लिया था उन्होंने कि मैंने कहीं ना कहीं उत्तराधिकारी खंडेराव को बना के कोई गलती तो नहीं की है, इसके ऊपर भी पुनर्विचार करने को तैयार हो गए। तो लेकिन ये झटका मल्लाराव होलकर को जब लगा कि खंडेराव की वजह से कैसे, जब ये पूरा डिटेल में पूरा सब चीजें पता चलेगी तो क्या हो गए, मल्लाराव होलकर के रिएक्शन क्या, गले से लगा लेंगे जाके अपने बेटे को। तो ये देखना दिलचस्प होगा दोस्तों, आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट। धन्यवाद।